शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, छात्र संघ जो भी हमारे अध्यक्ष बने हैं और प्रिंसिपल साहब जो भी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि छात्र संघ कोटे के अंदर से भामा बालेश्वर जी की मूर्ति की स्थापना प्रांगण के अंदर घुसते ही की जाए, ताकि यहाँ सैल्यूट करते हुए हमारा विद्यार्थी अंदर जाए। ये हमको लगा तो हमने बता दिया। बाकी हम लोग देखते आए हैं, आदिवासी इलाके में न जाने कितनी कॉलेजें हैं, उनमें से 20 कॉलेजों के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कब्जा किया है। 20 कॉलेजों के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कब्जा किया है। और मैं पत्रकार बंधु जो आए हैं और कॉलेज का प्रशासन है और जितने भी साथी आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं है। ये राज